सबसे बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है। ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज 50,000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 17,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। ऑनलाइन गेमिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें इतनी ग्रोथ हुई है कि पूरे देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो छोटी छोटी ऑनलाइन गेम्स, कोई लूडो खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कोई चेस खेलता है, एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट उसको यूज करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को एक सनराइज सेक्टर इंडियन स्टार्टअप सेक्टर का माना जाता है, लेकिन जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली डिसीजन लिया अपनी 50th काउंसिल मीटिंग में, 51st काउंसिल मीटिंग में उसको रेटिफाई किया और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28% जीएसटी लगा दिया। ये हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है जीएसटी में। दिल्ली ने इसका विरोध भी किया। दिल्ली ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग कोई लग्जरी सेक्टर नहीं है। ये बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग की तरह नहीं है जो एक सर्टन रिच लोग ही, बहुत ही रईस लोग ही उस सेक्टर में इन्वॉल्व होते हैं। आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग देश भर में टीयर टू सिटीज में, टीयर थ्री सिटीज में एंटरटेनमेंट के लिए कई प्रकार की छोटी छोटी गेम्स ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स पे खेलते हैं। दूसरी बात, अगर एकदम से एक इंडस्ट्री में 28% टैक्स लगा दिया जाता है तो उस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर जो लीगल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसको हम इतना ज्यादा टैक्स करेंगे और वो इंडस्ट्री उससे खत्म हो जाती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं। सो वी आर ऑल्सो ओपनिंग आर सेल्स आउट टू द इलीगल ऑनलाइन बेटिंग एंड गैम्बलिंग इंडस्ट्री। लेकिन फिर भी जीएसटी काउंसिल ने यह डिसीजन लिया। अच्छी बात यह थी कि जीएसटी काउंसिल ने यह भी डिसीजन लिया कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 28% के टैक्स को रिव्यू करेंगे। अगर इससे इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आई है तो उसको रिकंसिडर करेंगे। 1 अक्टूबर से ये 28% टैक्स लागू होना था, लेकिन उससे पहले ही जीएसटी काउंसिल के डीजीजीआई ने सारी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पिछले 6 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ के टैक्स इवेजन नोटिसेस भेज दिए। आप सोचिए कि एक इंडस्ट्री है जिसकी वैल्यूएशन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23,000 करोड़ की है। एक 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री को 1.5 लाख करोड़ के टैक्स नोटिसेस मिल जाते हैं, इससे क्या होगा? इससे पूरा सेक्टर खत्म हो जाएगा। कोई भी कंपनी नहीं बच पाएगी जो अपनी वैल्यूएशन जितना टैक्स भर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जिसकी टोटल वैल्यूएशन आज के दिन में 19,000 करोड़ है। एक 19,000 करोड़ की कंपनी को 10,000 करोड़ का नोटिस आया हुआ है, ऑब्वियसली वो कंपनी ये टैक्स नहीं भर सकती। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि ये कंपनियां टैक्स नहीं भर पाएंगी, ये टैक्स भरने के लिए ये कंपनियां बंद हो जाएंगी। अगर ये कंपनियां बंद हो गई तो जो 50,000 से ज्यादा यंग लोग, प्रोग्रामर्स इस कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी बात, इस पूरे सेक्टर में जो आगे बढ़ के एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगा। तीसरी बात, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऑलरेडी 17,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुका है, 25,000 करोड़ का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द पाइपलाइन था। लेकिन जब इतना अनस्टेबल टैक्स एनवायरमेंट है, जब इतना अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट है, तो कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेगा? नॉट जस्ट दिस, ये जो अनस्टेबल एंड इरेटिक टैक्स एनवायरमेंट है, ये ना सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्रीज को इंपैक्ट करेगा, ये पूरे स्टार्टअप सेक्टर को इंपैक्ट करेगा। अगर मैं फॉरेन इन्वेस्टर हूं तो मुझे क्या लगेगा कि अगर मैंने इंडिया में किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, उसमें कुछ साल की ग्रोथ हो गई, ऑल ऑफ अ सडन 5 साल पुराने टैक्सेस लगा दिए जाएंगे, उन कंपनी से इतना पैसा मांग लिया जाएगा और मेरा सारा इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। इसलिए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। और सबसे जरूरी बात, इन कंपनीज को बंद होते हुए देख कोई भी यूथ जो आज कॉलेज से पास आउट हो रहा है, इंजीनियरिंग से पास आउट हो रहा है, आईआईटी से पास आउट हो रहा है, वो सोचेगा मैं क्यों एंटरप्रेन्योर बनूं?
अच्छी सी सेफ नौकरी करो, बिकॉज अपना स्टार्टअप शुरू करना तो कितना रिस्की है। ग्रोथ होने के बावजूद अगर हमारे देश में इतना बड़ा टैक्स लग जाए तो हमारा स्टार्टअप तो सारा खत्म हो जाएगा। अगर हमारे देश का यूथ स्टार्टअप्स करने से डरने लग जाएगा तो हमारे देश का अगला फ्लिपकार्ट कहां से आएगा, हमारा अगला पेटीएम कहां से आएगा, हमारा अगला जोमैटो कहां से आएगा, हमारा अगला ओयो कहां से आएगा, हमारा अगला भारत पे कहां से आएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस तरह के नोटिसेस को जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया पहरी डिजिटल चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।